आज की वीडियो में आपको दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, आपको 10th बोर्ड के लिए 10th क्वेश्चन, 10th क्लास यानी कि उसमें मैट्रिक लेवल पे जो इजी क्वेश्चन है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। इसका देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए इसको अगर इंग्लिश में कहा जाता तो कहता कि अगर टू मतलब यहाँ पे दो नंबर का सम यहाँ पे 27 है, उसका मल्टीपल जो है खुद प्रोडक्ट यानी कि इज 182 है। इसमें पूछे मानेंगे, इसमें करेंगे क्या चीज, माना कि पहला पद, ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, तो माना कि पहला पद क्या मानेंगे, पहला पद यानी पहला संख्या ले सकते हैं, पद को डालिए संख्या ले दी, संख्या बराबर क्या मानेंगे एक्स, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा संख्या बराबर ये 27, दोनों का एड हो रहा है तो एगो आएगा एक्स तो दूसरा आएगा 27 माइनस एक्स, यही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, दोनों का गुणनफल क्या है कि 182 है, तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि प्रश्न से कि एक्स इंटू एक्स 27 माइनस में एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182 आएगा, तो ये हो जाएगा 27 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इस साइड करेंगे, इसको भी इस साइड कर देंगे तो ये माइनस में 27 एक्स, इसको इसी साइड आएगा तो प्लस 182 आएगा, ठीक है, एक्स होगा ये इतना इक्वल टू 0। अब एक्स को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 27 है, अब इसको 182 है, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालिएगा मतलब कम फैक्टर निकालिए, ठीक है, तो ये क्या आएगा, हाँ 2 से लगाएंगे तो ये होगा 9, और यहाँ पे होगा 1 1 9 2 18, 1 1 91 हो गया, 3 से लगाएंगे 13 7 91, 7 से लगाएंगे तो 13 7 91, तो 7 9 14 आई 13 27 हो जाएगा, तो माइनस में 14 एक्स, अब माइनस में 13 एक्स और प्लस में 182 बराबर 0, और एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस में 14 आएगा और माइनस में 13 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस में 14 आएगा और इतना इक्वल टू 0 आएगा, मतलब एक्स माइनस 13 और यहाँ पे एक्स माइनस में 14 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू जो आया मान 13 आया और एक्स इक्वल टू 14 आया, दोनों दोनों वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे एक नंबर होगा अगर 13 तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 में से एक्स 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि वही नंबर होगा, या तो 13 होगा या तो 14 होगा, यही दोनों नंबर आएगा, ठीक है, और दोनों का सम करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखता हूँ, तो हेलो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आप क्या कर रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाया जा संभव है, बनाना संभव है, यदि है तो इसको उनके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखिए इसको हम पहले चेक करते हैं कि मान लें कि यहाँ पे परिमाप बोला है तो ये आयताकार पार्क होगा, ठीक है, एक पार्क बनाना है तो यहाँ पे 2 × परिमाप को क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला वो लगा दीजिए, 2 × x + y हो जाएगा, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ पे x + y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे तो ये 40, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या चीज कि क्षेत्रफल कह रहा है कि 400 है तो x y इक्वल टू कितना है कि 400 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x + y इक्वल टू 40 आया है और x y इक्वल टू 400, तो सेकेंड इक्वेशन इसको मानते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं कि x - y इसके पावर में हम 2 और इतना इक्वल टू x + y इतना का हर स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 4ab 4xy ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे होगा कितना, ये x - 1 y है तो इसका स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है 40 है तो 1600 हो जाएगा और माइनस में 4 × 400 तो ये हो गया कितना, 16 - 16 तो ये 0 आ जाएगा, x - y का स्क्वायर जो है 0 के बराबर, इसलिए x - y क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0, ठीक है, इसको न्यू इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, x 2x इक्वल टू हो जाएगा 80, तो x इक्वल टू कितना हो गया 40, तो अब x इक्वल टू 40 हो गया तो अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, x वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, पोट कर देंगे तो यहाँ पे 40 प्लस में y इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, तो यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 0। अब कभी ये संभव हो सकता है क्या कि एक लंबाई 0 हो और एक लंबाई यहाँ पे 40 हो, तो क्या वो आयत बनेगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लंबाई यहाँ पे क्या होगा कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, तो ये असंभव हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं निकाल पाएगा, इसलिए दोस्तों ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है।
बस यही है कि अतः लिख देंगे क्या चीज कि ये इसका अतः यह त्रिभुज आयत का परिमाप या किसी चीज का पार्क का परिमाप और ये क्षेत्रफल संभव नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों ये आपको आपको तीनों चारों बोर्ड आप जितना भी बोर्ड देते हैं एग्जाम सारे बोर्ड के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और न्यू वीडियो आपको देखते रहे, नया वीडियो देखते हैं कि देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को देखते ही लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।